पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके सामने फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते हैं उन पर परत दर परत वो रिश्ते सबके सामने आ रहे हैं, आज के नहीं है, पुराने रिश्ते हैं, ये भी अब जानकारी प्राप्त हो रही है। आज मैं आपके सामने 2012 से 2014 के बीच में जब इन रिश्तों की नींव रखी जा रही थी फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की, उस बारे में कुछ बताना चाहूंगा। 2012 से 14 के बीच में यूपीए का शासन था। ये जो कागज हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, ये जुलाई 2012 का एक मेमो है, आंतरिक मेमो है। फेसबुक में जो आपसी कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपस में एक दूसरे को जो सूचनाएं देते हैं, हिंदुस्तान से अपने हेडक्वार्टर को देते हैं, हेडक्वार्टर से क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं, जो वो पूरी सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसमें से एक मैं अभी आपके सामने कोट करता हूं, उद्धृत करता हूं। जुलाई 2012, फेसबुक की जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिक पॉलिसी की, मिस माने लेविने, वो लिखती हैं, जो कपिल सिब्बल साहब एक ऑपोजिशन एमपीज के साथ, जिसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के एमपीज थे, उनके साथ एक क्लोज डोर बैठक करने वाले थे इंटरमीडिएटरी रूल्स को लेकर। उन रूल्स को लेकर जो बैठक होने वाली थी, क्लोज डोर मीटिंग होने वाली थी, उसके बाबत ये महिला अधिकारी फेसबुक की, मिस माने लेविन, लिखती हैं कि अंखी ने, अंखी दास, जिनके बारे में आपने पिछले कई दिनों से लगातार सुना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले लिखा और लोगों ने लगातार लिखा, अंखी ने एमपी से को सलाह दी है, अंखी ने विपक्ष के सांसदों को यह सलाह दी है कि आपको एक लाइन कहनी है कि ये मामला सब जुडिस है। कपिल सिब्बल जी के साथ जब आप बैठक करेंगे तो आपको एक लाइन रखनी है कि ये मामला सब जुडिस है। यह अंखी दास फेसबुक की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सलाह दे रही हैं उस बैठक से पहले, जो कि एक क्लोज डोर बैठक होनी थी, कपिल सिब्बल जी मंत्री थे, वो लेने वाले थे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह से उस वक्त ये रिश्ते बन रहे थे और उन रिश्तों में क्या प्रगाढ़ता थी, क्या मजबूती थी, कि सलाह ली जा रही है फेसबुक के ऑफिसर से, भारत के लोकतंत्र की रक्षा इन लोगों से आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं जो आज सत्ता में है, जब ये विपक्ष में थे तो सलाह किससे लेते थे, एक लॉबीस्ट से सलाह ले रहे थे, फेसबुक की एक लॉबीस्ट से सलाह ले रहे थे, और वो लॉबिंग कर रही थी इनके मार्फत, अंखी दास जिनका नाम है। वो कहती हैं कि अंखी दास गूगल और यंग इंडिया के पॉलिसी लीड्स के साथ बातचीत कर रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुलासा, हम लोग अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बाबत लिखते हैं, जो उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, कि चिट्ठी, जो चिट्ठी अरुण जेटली जी लिख रहे थे सरकार को, वो हमने ड्राफ्ट कर दी है। फेसबुक अरुण जेटली जी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की, जो कि एक विपक्ष का नेता था संसद में, उनकी चिट्ठी ड्राफ्ट कौन कर रहा है? अंखी दास कर रही है, फेसबुक कर रहा है। क्यों? अब ये लॉबिंग की इंतहा है कि हिंदुस्तान का विपक्ष किसी मुद्दे पर क्या बोलेगा, सरकार को क्या लिखेगा, कैसे घेरेगा सरकार को, यूपीए की सरकार को, उसका षड्यंत्र रचने में सहायता ली जा रही है एक प्राइवेट लॉबीस्ट की, जो कि फेसबुक की एक वरिष्ठ अधिकारी है, अंखी दास उनका नाम। इसी मेमो में आगे लिखते हैं, जो प्राइवेसी का लॉ उस वक्त जो ड्राफ्ट हो रहा था, तो उसमें एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस एपी शाह की एक कमिटी बनी, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन प्राइवेसी से चर्चा के बाबत लिखते हैं कि अंखी ने, ये उनका मेमो बता रहा हूं माने लेविन का, कि अंखी ने भारत सरकार के अधिकारियों से और इस कमिटी के मेंबर्स से बात करने की कोशिश की, ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने कमिटी बनाई थी, उस कमिटी के बारे में बात हो रही, बात करने की कोशिश की, बट वो ज्यादा उनसे सपोर्ट नहीं मिला, फोर्थकमिंग नहीं थे, वो खुलकर बात नहीं कर रहे थे,
मुझे गर्व है हमारी पार्टी की सरकार इस तरह की लॉबीज़ से हमारी वो कमेटी के सदस्य खुलकर बात करने में हिचकिचा रहे थे, नहीं कर रहे थे, उनको कोई सहयोग नहीं दे रहे थे और ये शिकायत करती है। ये मेमो में शिकायत है कि अंखी दास ने प्रयास किया लेकिन सदस्यों ने खुलकर बात नहीं की। ये होता है सरकार चलाना, सरकार का इकबाल इसको कहते हैं। मोदी जी को सीखना चाहिए कि कैसे सरकार चलाई जाती है। इसी दौरान 4 PILs लगी हुई थी हमारी सरकार के खिलाफ। एक राजीव चंद्रशेखर जी की तरफ से थी, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तब भी हमारे विपक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में थे, सांसद थे। तो ये 4 PILs का एक कोलिशन था, सुप्रीम कोर्ट में PILs थी। इस कोलिशन से बैठक अंखी दास कर रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कैसे सरकार, यूपीए सरकार को घेरा जाए इन PILs के मार्फत। मेमो में लिखते हैं कि ये 4 public interest litigation सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध हैं। फरवरी से लेकर अप्रैल 2013 में इनकी सुनवाई होगी और भारत सरकार को बड़ा कठिनाई महसूस होने वाली है अपने आप को बचाने के लिए। ये भारत सरकार, यूपीए की सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं होती, भारत की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी। अंखी दास PILs में मदद कर रही है, राजीव चंद्रशेखर जी की मदद कर रही हैं और जो PILs जिन्होंने लगाई हैं उनकी मदद कर रही हैं। और मेमो में लिखा जा रहा है द गवर्नमेंट विल हैव अ टफ जॉब डिफेंडिंग इटसेल्फ, सरकार को बड़ी कठिनाई होगी अपने आप को बचाने के लिए। आगे ये मेमो लिखता है कि आज हमारी कोलिशन की बैठक हुई, कोलिशन मतलब जिन्होंने ये PIL की थी, वो 4-5 जो भी समूह थे उनकी, और ये तय किया गया कि इस मुद्दे को प्रेस में जीवित रखा जाए। ये अंखी दास, ये फेसबुक, ये उनका मेमो है, कहते हैं कि कोर्ट में जब मामला चल रहा है, लंबित है, सुनवाई के दौरान इस मामले को जीवित रखना है मीडिया में। मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा लेकिन कहा जा, उसमें आगे कहती हैं कि सिब्बल साहब कह रहे हैं कि अब कोर्ट ही निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट। हमने एक अखबार से बात करके उनकी जो स्टोरी थी इस बाबत उसको एक दिशा दे दी है। ये होती है लॉबिंग, इसको कहते हैं लॉबिंग करना। ये लॉबिंग तब करवा रहे थे फेसबुक से जब ये विपक्ष में थे, सोचिए आज क्या करवा रहे जब ये सत्ता में है। एक आर्टिकल लिखा अंखी दास जी ने 17 मई 2014 को, 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, आप सबको विदित है ये बात। उस आर्टिकल में लिखती हैं कि भारत का जो 2014 का जो चुनाव संपन्न हुआ वो याद रखा जाएगा, विशेष तौर पे इस कारण से याद रखा जाएगा कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो अपने लिए कह रही हैं, जाने वाली, बाहर जाने वाली आउटगोइंग गवर्नमेंट से जूझना पड़ता था, हमारे से जूझना पड़ता था क्योंकि हम अपने दरवाजे नहीं खोलते थे, वो हार गई। ये अंखी दास का आर्टिकल है, मैं आपको दे दूंगा। और बोलती हैं कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस सरकार की सेंसरशिप से जूझना पड़ता था 2011 से लेकर 2014 तक, ये वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से आज ये नतीजा आपके सामने है। तारीफ हो रही है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। आगे और उदाहरण दूंगा, बड़े रोचक उदाहरण है। कहती हैं उस आर्टिकल में कि हमने एक इलेक्शन ट्रैकर March 4, 2014 से लगाया और लगातार उस ट्रैकर पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी रही और नरेंद्र मोदी नंबर 1 के लीडर रहे। गर्व है, गौरव है, ये लॉबिस्ट का गौरव है, लॉबिस्ट की कलम से है ये आर्टिकल। BBC फेसबुक के बाबत लिखते हैं कि अंखी दास ने, ये जो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है उस बाबत लिखते हैं कि अंखी दास ने कहा कि ये राजा सिंह की जो लेखन है ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर इसका विरोध करें तो नुकसान हो सकता है, उसके कई मायने हो सकते हैं। ये भी मैं आपको इसमें लिंक डाल रहा हूं। गार्डियन कहता है कि फेसबुक के कुछ अफसर आपस में मजाक करके कहते थे, मजाकिया तौर पे कहते थे कि अंखी दास तो मोदी जी की ग्रैंड डॉटर की तरह हैं, परिवार के सदस्य की तरह हैं, जैसे परिवार का एक बच्चा होता है वैसी है। ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है।
विदेश में फेसबुक के ऑफिस में आपस में फेसबुक में मजाक चलता है कि अंकी दास तो नरेंद्र मोदी जी की ग्रैंड डॉटर पोत्री या बच्चा है घर का। 26 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा चुनाव से पहले 2018, 26 मार्च को बड़ा रोचक बात उन्होंने कही। उन्होंने अपने सारे सांसदों की बैठक ली और कहा कि आप सबके फेसबुक पर कम से कम 3 लाख लाइक्स होने चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री है या फेसबुक का विज्ञापनदाता? फेसबुक का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं आप? लाइक्स कैसे ली जाती है हमें नहीं मालूम। एक लाइक पे कितना खर्चा आता है हमें नहीं मालूम। क्या लाभ पहुंचा रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी फेसबुक को? फेसबुक आपको लाभ पहुंचाए, आप फेसबुक को लाभ पहुंचाए, ये हो क्या रहा? ये टिकट देने से पहले की शर्त थी 2018 में जब बैठक हुई कि आपको अगर लड़ना है वापस मिनिमम कम से कम 3 लाख लाइक्स होने चाहिए आपके फेसबुक पेज पर। ये देश का प्रधानमंत्री। सितंबर 2018 में अमित शाह साहब मेरे राज्य में राजस्थान में सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको संबोधित कर रहे थे और कहते हैं कि हमारी काबिलियत देखो, हमारी सक्षमता देखो कि हम जो चाहे वो खबर फैला सकते हैं। वो खबर कड़वी हो, मीठी हो, सच्ची हो, झूठी हो, मेरे शब्द नहीं, अमित शाह साहब के शब्द। और उदाहरण क्या देते हैं अमित शाह साहब, और हैरानी की बात है कि ये कलयुग के चाणक्य को गर्व होता है इस बात का। तथाकथित चाणक्य कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखिए यूपी का चुनाव असेंबली का 2017 में जब अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक फेक न्यूज वायरल कर दी कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिता पर हाथ उठाया। सुनकर अजीब लगता है, भारत की संस्कृति के विपरीत लगता है किसी भी पार्टी की बात गलत लगती है। और वो खुद मान रहे हैं कि गलत बात थी, खुद कह रहे हैं ये फेक न्यूज थी, और लेकिन गर्व से कह रहे हैं कि देखिए फेक न्यूज भी हमने फैला दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में उस वक्त 32 लाख लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, इसलिए हम ये फैला पाए। ये अमित शाह पीठ थपथपा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इस तरह की ओछी बात फैलाई अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए। उसको निकाल बाहर करें पार्टी से, ऐसा नहीं किया। जब उसकी उसकी बजाय उसकी तारीफ की, अपनी तारीफ की कि देखो हम कैसे अफवाह फैलाते हैं। आपने देखा कैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान सोशल मीडिया पे दिया गया, कैसे उनके पेजेस और हमारे पेजेस आप तुलना करें आपको सब सामने नजर आ जाएगा। जय शाह साहब पर एक किसी मैगजीन ने एक स्टोरी की उनके खिलाफ, उनकी तारीफ में तो क्या की होगी, खिलाफ ही की थी 2018 में। वो स्टोरी दबा दी गई फेसबुक द्वारा। फेसबुक के रिश्तों के उदाहरण एक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं अनेक उदाहरण मिलेंगे। ये उनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं। महिलाओं पर जिस तरह की टिप्पणियां हमारे सोशल मीडिया पर होती है, बहुत चिंता हम सब कई बार जाहिर करते हैं, आपके समक्ष भी जाहिर करते हैं, आप स्वयं चिंतित रहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि राजनीतिक संवाद इस तरह से विषैला हो जाए, इतना गिर जाए कि महिलाओं के खिलाफ हम ओछी टिप्पणियां करें या सुने या पढ़ें। इस बाबत जब चर्चा हुई फेसबुक में आपस में, तो अंखी दास अपनी एक कोलीग को कहती हैं, अपनी एक सहयोगी को कहती हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणियां हमारे हिंदुस्तान में होती हैं आपको नहीं समझ में आएगी, आप अमेरिका में रहती हैं तो आप इसमें मत बोलिए। अंखी दास से हम ये उम्मीद करते थे कि आप कहेंगी कि इस तरह की ओछी टिप्पणियों का स्थान फेसबुक नहीं देगा अपने प्लेटफॉर्म। उल्टा उसके आप अपने सहयोगी को समझा रहे कि हिंदुस्तान में ये होता है, माफ कीजिएगा हिंदुस्तान में ये नहीं होता है, हिंदुस्तान की ये संस्कृति नहीं है, हमारे घर में हम इस तरह की ना भाषा बोलते हैं ना सुनते हैं। कौन से हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं अमेरिका के सामने, जहां महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोले जाए? कैसा हिंदुस्तान है ये? क्या भाजपा का हिंदुस्तान है? अंखी दास जी आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, होंगे आपके नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य। हिंदुस्तान का इस तरह का चेहरा जो कि गलत है आप अमेरिका के सामने बोल रही हैं। चुनाव आयोग 2017 में फेसबुक इंडिया के साथ गठबंधन होता है वोटर अवेयरनेस के लिए, जागरूकता अभियान के लिए। एक साल बाद मार्च 2018 में ओपी रावत साहब जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे
वो कहते हैं कि चुनाव आयोग रिव्यू कर रहा है, पुनर्विचार कर रहा है अपने इस गठबंधन पर फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक से इस गठबंधन में जो चुनाव की सैंक्टिटी है उसका समझौता हो रहा है। उनकी चिंता थी और वो सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया था। 23 मार्च 2018 को सीईसी ओपी रावत ने कहा कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है, डेटा ब्रीच करते हैं फेसबुक। 4 दिन बाद वही चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, डिस्पाइट एबरेशंस, भले फेसबुक ये कर रहा है, फिर भी ये गठबंधन जारी रहेगा, ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। क्या दबाव था हम नहीं जानते, अब आपके सामने है सारा दबाव। मैंने आपको कई उदाहरण दिए इन दोनों के आपसी, फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सामंजस्य पर, करीबी रिश्तों पर, बार बार उदाहरण आपके सामने आए। और जब भी फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, ये उसका जवाब वही देंगे। अपने न पद की चिंता करते हैं वो, न कद की चिंता करते हैं, न अपने परिवार के रसूख की चिंता करते हैं, बड़ा अच्छा परिवार है उनका। चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, भूल जाते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है, फेसबुक को बचाने के लिए नहीं बनाया गया उनको मंत्री। आपकी आवाज